नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे उदराकर्षण योग। इसे करने के लिए भी आपने सबसे पहले ऐसे कागासन की पोजिशन में ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे कागासन की पोजीशन में बैठ जाते हैं, अपने पैरों में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। फिर आपने ऐसे धीरे धीरे अपने पैर के पंजों के बल ऐसे अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पैरों के पंजों के बल रखना है और ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने राइट वाले पैर के घुटने को ऐसे लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखना है और लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देना है और अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच कीजिए। फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं, इनहेल करते हुए इसी अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे अपने राइट पैर के पंजे के पास ऐसे रखते हैं और राइट पैर के घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देते हैं और अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 सेकंड से 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर एक्सहेल करते हुए सेंटर में आते हैं, इनहेल करते हुए ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड टर्न करते हैं, फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस उदराकर्षण योग को आप दोनों साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इन अभ्यासों को करने से आप खुल के फ्रेश होते हैं और कब्ज जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पाद हस्तासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों में थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस रख लेते हैं जिससे कि हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहे। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए और अपने सिर को अपने घुटनों के बीच में ऐसे ले आते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे पकड़कर ऐसे ही होल्ड करके रखें। हम करेंगे आपने हिलना डुलना लुढ़कना को प्रैक्टिस करना है। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है, ऐसे पीठ के बल आपने सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से आपने मोड़ लेना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे घुटनों के नीचे से लगा लेते हैं। सबसे पहले आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। अब हम इसे हिलना डुलना लुढ़कना के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आपने सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है, श्वास छोड़ते हुए ऐसे बैठ जाना है, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे आगे, श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे बैठना है। ऐसे ही इसे आप 10 से 15 बार ऐसे हिलना डुलना लुढ़कना को प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से आप कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों अगर आप सुबह उठकर टॉयलेट जाते हैं और आप खुल के फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं तो इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए आपने पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक भी बनता है और यह अभ्यास में नियमित क्रिया के लिए अधिक स्टेमिना प्रदान करता है जिससे कि हम दिन भर अधिक सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर 2 ग्लास गुनगुना पानी पीकर प्रैक्टिस कीजिए।